इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड वट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसका एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है उसे मैं डिस्कस करूँगा तो आइए समझते हैं पहला मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वैन टू और मोर पार्टीज पुट इन टू राइटिंग एन एग्रीमेंट विच कंटेंट सर्ट एन ऑब्लीगेशन प्रोमिस विच आर टू बी परफॉर्म्ड बाई सच पार्टीज एंड वैन सच रिटन अग्रीमेंट बिकम्स इनफोर्सिबल बाई लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज एक रिटन एग्रीमेंट करते हैं उस रिटर्न एग्रीमेंट में कुछ ऑब्लीगेशन होते हैं कुछ प्रामिसेज होते हैं जिससे ये जो पार्टीज हैं ये क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं और ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट्स क्या होगा वो इनफोर्सिबल बाय लॉ अगर होता है तो ऐसे रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे इनफोर्सिएबल का क्या मतलब होता है क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशं मीन्स उस रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो बाइंडिंग्स बाई लॉ है ओके okay. तो तो ऐसे रिटर्न एग्रीमेंट्स क्या होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे ओके okay. तो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू क्या हो गया अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबिलिटी ओके इनफोर्सिएबिलिटी मीन्स टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ओके अब डेफिनेशन को समझते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन टू एच जो है वो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को तो सेक्शन टू एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेवनटी टू डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इन बाय लॉ तो एन एग्रीमेंट इन फोर्सिएबल लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सियबल होता है ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ओके okay. सर फ्रेडरिक पोलक सेज एवरी एग्रीमेंट एंड प्राम इन फोर्सिबल बाई लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ओके अकॉर्डिंग टू सेलमन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लीगेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन बाई विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाई वन और मोर टू एक्ट और फॉर बियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर्स ओके अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है उसे जान लेते हैं सेक्शन टेन स्टेट्स कंडीशन विच आर रिक्क्यर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड सेक्शन टेन जो है कुछ कंडीशंस को बताते हैं जो अगर कंडीशंस फुलफिल करता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे ओके कंडीशंस विच आर रिक्वायर फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कंडीशन जो कि दरकार पड़ेगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कौन कौन से कंडीशंस या एलिमेंट्स हैं उसे देख लेते हैं फर्स्टली

क्योंकि बिना ऑफर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो गए ही नहीं तो मान लीजिए ए जो है उसने ऑफ़र किया बी को ओके okay. तो यहाँ अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑफ़र एक्सेप्टेड हो जा रहा है अब मान लीजिए अगर ए ऑफर कर रहा है बी को बी की जगह कोई और एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा तो जिसे ऑफ़र किया जा रहा है वही उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा ओके okay. और ये एक्सेप्टेंस हो रहा है लेकिन एक्सेप्टेंस एकसे, में क्या होना चाहिए एड आइडम मीन्स सेम सेंस होना चाहिए मीन्स जो ए समझ ए जो बोल रहा है जो ऑफर दे रहा है वही बी को समझना चाहिए बी कुछ और ना समझे ओके okay, इसे मैं समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में आ चलिए तो कंसेस एट आइडम मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड इट मीन्स डैट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम सेंस ओके तो कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है वो जो दोनों पार्टी सेम सेंस में समझे ओके okay. दोनों का जो समझ हो वो सेम हो ओके दस पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ओके एग्जाम्पल से समझते हैं ए कॉन्ट्रैक्टेड विद बी टू परचेज राई ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो राइस परचेज करेगा ओके okay? राइस जो है वो बी से खरीदेगा नाउ ए अ स्पेशल टाइप ऑफ राइस ए को चाहिए था राइस के तो काफ़ी सारे वैरायटी है तो ए को जो है स्पेशल टाइप का राइस चाहिए था ओके हा एवर वी थाट ऑफ ए टू बी नॉर्मल राइस लेकिन बी को ये लगा कि उसे नॉर्मल राइस चाहिए ओके इन दिस केस ऑल दो देयर इज़ ए वैलिड एक्सेप्टेंस सिंस यहाँ तो एक्सेप्टेंस बी तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हुआ क्योंकि दोनों का जो सेंस है वो अलग अलग है दोनों का जो समझ है ए ने कुछ बोला और बी कुछ और समझा तो यहाँ सिंस सेम सेंस जो है वो सेम नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा वो इनवैलिड होगा ओके बट दे आर लैक्स मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन द पार्टीज मीटिंग ऑफ माइंड कंसर्निंग द टाइप और क्वालिटी ऑफ राइस ओके सिमिलरली इफ ए कॉन्ट्रैक्टेड विद बी टू बाई स्टॉक्स ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो कुछ स्टॉक्स परचेस करेगा खरीदेगा बट ए मिंट वॉज स्टॉक इन अ कंपनी लेकिन ए का यहाँ मतलब था कि वो कंपनी का स्टॉक परचेस करेगा लेकिन बी ने क्या समझा वेर एज बी अंडरस्टूड इट टू बी हिज लाइव स्टॉक बी ने समझा कि फॉर्म्स का जो एनिमल है उसके बारे में ए बोल रहा है इन दिस केस द अंडरस्टैंडिंग वॉज नॉट इन अ सिमिलर सेंस यहाँ भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों का डिफरेंट है सेम नहीं है तो यहाँ पे पर भी अगर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा इनवैलिड होगा नेक्स्ट पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टैंड द लॉ दे आर सब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू डेट इज़ दे मस्ट बी लीगली कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं उसमें जो पार्टीज होता है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ओके कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो जो पार्टीज हैं वो मेजर होना चाहिए मस्ट बी ही मस्ट बी अ साउंड माइंड पर्सन एंड नॉट डिसक्वालीफाइड बाई लॉ ओके मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन है या फिर पर्सन डिसक्वालीफाइड बाई लॉ है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट ओके नेक्स्ट कंसिडरेशन कंसिडरेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ओके फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस देयर मस्ट बी कंसिडरेशन प्रोमिस को परफॉर्म करने के लिए कंसिड्रेशन का होना बहुत जरूरी है कंसिड्रेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न ओके something given for performance of promises from both parties to the contract okay further the objective and consideration of the contract must be lawful Jo objective hai and considerations hai contract ka wo lawful hona lawful objective hona okay S next free consent according to section 10 of co contract act agreements are contracted if they are made by free consent it means that contract मस्ट बी एंटर इंटू आउट ऑफ द पार्टीज ओन वॉल्यूश एंड विदाउट बींग फोर्स और डिसीव इन टू पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका जो कॉन्सेंट होना चाहिए फ्री होना चाहिए ये नहीं कि जोर जबरदस्ती करके या फिर आ, फोर्स करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना अगर ऐसे फोर्स करके कर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे इनवैलिड होंगे तो कॉन्सेंट शुड भी फ्री ओके देर मस्ट बी एन इंटेंसन टू एंटर इंटू लीगल रिलेशनशिप जो लीगल रिलेशनशिप में ये लोग इंटर करेंगे उनका जो इंटेंसन देयर मस्ट बी एन इंटेंसन टू इंटर इन टू लीगल रिलेशनशिप लीगल रिलेशनशिप इंटर करने का इंटेंसन होना होगा दोनों के बीच में ओके सर्टेनटी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट एम्बिग्युअस एंड वेग कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो स्पष्ट होना चाहिए वो एम्बि एम्बिग्युअस एंड वेग नहीं होना चाहिए ओके मीन्स अस्पष्ट नहीं होना चाहिए ओके okay. अगर अस्पष्ट है कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होंगे कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टनटी कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेंटी स्पष्ट होना होगा तभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे ओके अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी वॉइड डिक्लेयर हो चुका है ओके okay. अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड तो हम लोग क्या समझे एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है पॉइंट वाइज एक बार समझ लेते हैं ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट जितने भी एग्रीमेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे इफ अगर दे आर मेड बाय द फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज जहाँ पे पार्टीज का जो कॉन्सेंट वो फ्री हो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और जो पार्टीज़ जो है वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फॉर ए लॉफुल कंसिडेशन कॉन्सिडेशन शुड बी लॉफुल एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट ओके एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी अवॉइड और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ऑलरेडी अवॉयड ना डिक्लेयर हो हुआ हो ओके okay. तो एसेंशियल एलिमेंट्स का कौन कौन सा पॉइंट है फर्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पहले ऑफर करना पड़ेगा अगर ऑफर एक्सेप्टेड हो गया जिसे ऑफर किया गया है वही व्यक्ति ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्टेंस भी हो जा रहा है और ये एक्सेप्टेंस जो हो रहा है वो दोनों पार्टी के बीच में कंसेंसस एट आइडम होना चाहिए मीन्स सेम सेंस होना चाहिए स्टेट ऑफ माइंड शुड बी सेम थर्ड कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कंपिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ये सेक्शन इलेवन में है तो कैपेसिटीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट ओके कैपेसिटीज़ ऑफ द पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एलिजिबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे कि वो मेजर होना चाहिए ओके ही शुड बी अ साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए एंड नॉट डिसकवालीफाइड बाई लॉ होना चाहिए ओके okay. और कुछ कुछ व्यक्ति है जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं वो कौन कौन है फॉलोइंग पर्सन और इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ये इनकम्पिटेंट कौन कौन होते हैं माइंडर पर्सन ऑफ अनसॉन माइंड एंड पर्सन डिसक्वालीफाइड बाई लॉ ओके नेक्स्ट कंसीडरेशन एसेंशियल एलिमेंट ओके और कंसीडरेशन का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन टू डी में दिया गया है लॉफुल ऑब्जेक्ट सेक्शन ट्वेंटी थ्री में है फ्री कॉन्सेंट सेक्शन फोर्टीन में दिया गया है ओके कॉन्सेंट इज फ्री वैन इट इज़ नॉट कॉज बाई कंसेंट तब फ्री होते हैं जब वो जब जब उसमें कर्सन ना हो अन इन्फ्लुएंस ना हो फ्रॉड ना हो मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो या मिस्टेक ना हो ओके okay. तो कर्सन्स का जो सेक्शन फिफ्टीन में दिया गया है कर्सन अंडी इन्फ्लुएंस सेक्शन सिक्सटीन फ्रॉड सेक्शन सेवेंटीन मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन एटीन एंड मिस्टेक इज सेक्शन 20 21 एंड 22 ओके okay. तो फ्री कॉन्सेंट तब होगा फ्री कॉन्सेंट तब होगा जब फ्री कॉन्सेंट दिया जा रहा है विदाउट एनी करशन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक ओके तो कंसेंट इज फ्री वैन इट इज नॉट कॉज बाय करशन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक नेक्स्ट इज इंटेंसन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप दोनों पार्टी के बीच में इंटेंसन होना चाहिए कि वो रिलेशनशिप जो हो उनका वो लीगल हो ओके okay. नेक्स्ट इज सर्टेनिटी कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेटी कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्टता होने होगी ओके कॉन्ट्रैक्ट ऐसा अस्पष्ट ना हो वेग ना हो एम्बिगस ना हो ओके नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो जो कि ऑलरेडी वॉइड डिक्लेयर हो चुका है ओके okay. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अगर इस चैनल में आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरा अभी तक मैंने जितना भी वीडियो बनाया है उसका पी फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय